आपका गारंटी ले रहा है एक और दूसरे घर की। अब आप मुझे ये बताओ, अगर वो दूसरे घर से वापस आ गई तो देन हमारे तो बॉलीवुड गाने भी ऐसे हैं कि कौन सा गाना है वो आलिया भट्ट का कि फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याई जाए मुड़ती नहीं है। अरे मुड़ गई तो क्या करोगे? सिर्फ सिंगल वे की तरफ हम सोच रहे थे कि लड़की को दूसरे घर भेजो, छुट्टी पाओ, हमारा काम खत्म। अरे नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है आपको अपनी लड़की को वॉर के मैदान में तो भेजना है, उसके इक्विपमेंट्स और वेपन्स को आज से ही ठीक करो। शायद मेरी माँ की सोच भी बचपन से यही रही कि मेरी बच्चियों के साथ पता नहीं क्या हो, लेकिन मैं उन्हें इतना सशक्त बनाऊंगी। बात 60-70 हजार की नहीं होती, बात स्वाभिमान की होती है कि कल को कुछ भी हो, मेरी बच्ची में इतनी ताकत हो कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। क्योंकि अगर आप में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो ना कभी करेज आएगा और ना ही कभी डिसीजन मेकिंग आएगी। आज बहुत सारी महिलाएं वो बड़े से बड़े पद पर आसीन है, 3-3, 4-4 लाख तनख्वाह ले रही है, लेकिन फिर भी वो घर जाके अपने पति की मार खाती है। क्यों? उनमें क्या मिसिंग है? आपको लगता है उनमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिसिंग है? नहीं, मेरी करेज को भी बहुत लोगों ने सलाम किया और सब जानते हैं मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। इफ आई टॉक अबाउट हाउ वेमेन आर करेजियस, इतिहास गवाह है कोई पुरुष अपना घर छोड़कर महिला के घर में रहने नहीं आया है। इन ऑल द कल्चर्स around the globe, it always had been the women who left their house, who left their sisters, who left their mothers, who left their dear fathers, family, everything. For what? For the sake of love. हाँ, और वो अपना घर छोड़ के कहीं और जाती है। क्या कभी ऐसा आपने सुना है किसी पुरुष ने अपना सब कुछ त्याग दिया हो? नहीं, men cannot sacrifice love. Men by default they can't sacrifice and they go behind money, power, ambition, but ek aurat ke liye love is everything and everything is below love. This is the essence of being woman and that's why I say you all are so damn courageous. Aap logon ne sirf apna ghar nahi basaya hai, aapne to duniya basayi hai. So when America zabardasti ke sath kaise rakh sakte ho? वो तो प्यार से और सम्मान से जीती जाने वाली चीज है, चीज भी नहीं कहूंगी, है ना, क्रिएचर है। सो हम क्या सिखा रहे हैं लड़कों को? नियंत्रण रखो, आक्रामक हो जाओ, अग्रेसिव हो जाओ। कितने लड़के रो पाते हैं खुल के? मैम बहुत होता है, सिखाया जाता है। माय डियर मेन, है ना, मैं तो बच्चे हो, चलो फ्यूचर मेन, आप लोगों को अपने इमोशन को रिप्रेस नहीं करना। और ये चीज कौन सिखाएगी आपको पता है? एक औरत। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव देयर गर्लफ्रेंड्स एंड प्लानिंग भी चल रही होगी शादी की। व्हाई डू यू फील सो इलेटेड? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वुमन इज ब्यूटीफुल। वो आप लोगों को सिखाती है कि बी लिटिल मोर हार्टफुल, खुल के जियो अपनी जिंदगी। मेन लिव बाय, अरे जिंदगी है, खुल के हंसो, जो दिल करता है पहनो। हम इतनी बेवकूफ नहीं है कि हमें ये नहीं पता हमें कहाँ क्या पहनना है। क्यों? क्या हम इतनी बेवकूफ हैं? नहीं, हमने तो बच्चे रखे, हमने बच्चे पाले हैं, हमने समाज की नींव रखी है, तो क्या हमें नहीं पता क्या करना है और किस समय पे क्या करना है? But stop being a good girl. If people are judging you from your size, because they want you to look thin. और मैं बता दूं गारंटी के साथ, लेके पतली हो जाओगी तो बोलेंगे अरे चेहरे से रौनक ही चली गई, कुछ खाती नहीं हूँ क्या? This is the reality. Women are undergoing knife. I mean, they are undergoing surgeries. To fulfill what? मेरे दांत टेढ़े हैं तो टेढ़े ही हैं। But अगर किसी को मुझे गिराना है तो मेरे में जितनी मर्जी qualities हो, ये बोलेगा तेरे दांत तो टेढ़े हैं, क्या तुम तो मोटी हो गई है? अरे what matters is मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी अपने बारे में क्या सोच है। So please ladies stop being हो चुके हैं। मैं एक line मैंने 2-3 दिन पहले WhatsApp पे पढ़ी थी कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है क्या, तेरा नाम है क्या,
सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों दुनिया वालों की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम क्या करना।